तो हेलो गाइज, आपका अर्ड बर्श एक चैनल पे स्वागत है। तो यहाँ पे मैं नाइन टेल का फॉक्स बनाने वाला हूँ, नरूटो का। तो मैंने ये शुरू में सर्कल ले लिया है, छोटा वाला जो हेड के लिए, और जो बड़ा वाला है वो है शरीर के लिए, उसकी बॉडी के लिए। तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ ताकि ये आपको विजिबल हो जाए। तो देखो, यहाँ पे मैंने ये शोल्डर के लिए सर्कल बना दिया। तो इसका मेन मकसद यही है कि आपका जो ड्राइंग का प्रोपोर्शन है ना, वो स्टिक ड्राइंग से जो है ना, काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। तो प्रैक्टिस के हिसाब से ये ड्राइंग जो है आपकी अच्छी पे अच्छी होती चली जाती है, आपको इम्प्रूवमेंट जो है ना पता लगने जाती है कि हाँ इम्प्रूवमेंट हुई है। क्योंकि इससे जो आपके जैसे एक्स्ट्रा लाइन से या एक्स्ट्रा ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कि बॉडी शेप बिगड़ जाती है, तो वो नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैंने हैंड के लिए बना लिया क्योंकि वो एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, फॉक्स है। तो उसका हाथ थोड़े से मतलब नीचे होंगे चारों के चारों, है ना। तो एक हाथ मैंने यहाँ पे बना दिया है स्टिक के तौर। तो अभी जो है मैं यहाँ पे इसकी टेल बना रहा हूँ। टेल मैंने ऑलमोस्ट ये लाइन खींच के, इससे क्या होगा, मैं इसको साइड में जो है ये मैं खाली एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि भाई मेरे को इस साइड बनाना है ना। तो यहाँ पे मैंने ये बना लिया है। तो नरूटो तो आपने देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा एनिमे है। मतलब आप एक बार देख लो ना उसको, तो गजब के फैन हो जाओगे भाई। तो देखो, मैंने इस वजह से ये कैरेक्टर लिया क्योंकि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि यार इसकी पावर जो है ना अल्टीमेट वाली है। उसका सपना यही होता है कि भाई वो होकागे बनेगा, है ना। तो आखिर में बन ही जाता है वो। तो जैसी उसकी लगन होती है कि भाई बनना है तो बनना है, वैसे एक आर्टिस्ट का भी होता है कि भाई करना है तो भाई करना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, फिर वो पैसे की चिंता नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। अब वो देखो यहाँ पे मैंने ये कर दिया है ना, आइस के लिए मैंने आइस के ऊपर थे इसकी थोड़ी सी, थोड़ा विंग टाइप का कुछ जा रहा था ऊपर, ये मैंने बना दिया यहाँ पे। अब मैं ये दूसरी आइस बना लूँ, यहाँ पे मैंने ये बना दिया, है ना। तो देखो गाइस, जब भी ड्राइंग करो ना, हमेशा ये ध्यान रखो कि आपका प्रिपोर्शन सही बैठे। अब देखो जो दोनों के ऊपर आँख के ऊपर कितना गैप रहेगा, कितना क्या रहेगा, जो उसका हेड है वो कितने एंगल तक मूव हो रखा है, कितने एंगल तक टेढ़ा हो चुका है। तो गाइस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि भाई अगर अच्छी ड्राइंग चाहिए तो। और सर्कल मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ, सर्कल लाइन्स और कर्व लाइन्स की जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका मुंह बना दिया। मुंह बनाने के बाद अब मैं इसके टीथ बना लूँ, दांत बना दिए, ये मैंने बना दिया ना। अब देखो मेन इसके अंदर क्या पंगा होता है कि अगर जैसे अगर मैंने स्टिक ड्राइंग करी है, तो स्टिक ड्राइंग से जो है ड्राइंग का जो मतलब सुंदरता होती है ना, वो काफ़ी बढ़ जाती है। और जो देखो एक्यूरेसी, देखो अब देखो बीच में जो एक गैप है हाथ और उसके सर के बीच में, वो मैंने ध्यान में रखा था कि भाई इस जो गैप को है ना वो ध्यान में रखना है मुझे। अब देखो मैं इसका दूसरा हाथ बना रहा हूँ, है ना। दूसरा हाथ बनाने में मेरे को मतलब दिक्कत नहीं आई थी, क्यों, क्योंकि मैंने जो है शेप की मतलब एक्सरसाइज कर रखी है, प्रैक्टिस कर रखी है मैंने उसकी, भाई कैसे हैंड बनाना है। तो आपको भी मैं दूसरी वीडियो में बना के दिखा दूंगा कि भाई इजीली हैंड कैसे बना, क्योंकि मैं जब शुरुआत में था ना तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती उसमें कि भाई हैंड कैसे बनाऊँ कभी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता किस में आती है, अंगूठे में। अंगूठा ऐसा लगता है कि वो फिंगर्स के बराबर ही है। तो बस यही है कि उस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि एक्चुअल में उसको इसको डिफरेंस कैसे होता है और कितना गैप होता है उसके बीच में, है ना। तो अभी ये मैंने इसके पैर भी बना दिए पीछे, है ना। अब देखो इसमें भी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी आई है। तो ऐसे ही आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है जैसे मैं बता रहा हूँ, और साथ में आपको अपनी तरह से भी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि देखो सबकी ड्राइंग ना सेम नहीं होती हर किसी को, चाहे आप किसी टीचर से सीख रहे हो, है ना, या किसी से भी सीख रहे हो। तो ये होता है कि भाई वो अपना टच डालना पड़ता है उसके अंदर, है ना। अगर आप अपना टच नहीं डालोगे तो ऐसा लगेगा कि यार आपने कुछ नहीं सीखा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप सीखो, साथ में उसमें अपना टच भी डालो और उनका टच भी साथ में हो, तो मिक्स टाइप का होना चाहिए, है ना। तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये आपकी ही इनोवेशन है। तो देखो जैसे कि अब मैंने इरेज कर दिया था ताकि थोड़ा डार्क कर सकूँ, जो उसकी जो रेफरेंस लाइन है वो थोड़ी डिसअपियर हो जाए। तो अभी मैंने इसको मिटो दिया, अब मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। बनाते वक्त हमेशा एक ही दिक्कत आती है, मुंह छोटा बड़ा होना, आंखें छोटी बड़ी होना। तो ये पता है क्या, इससे आप डिप्रेस मत होना, ये धीरे धीरे जो है ना अपने आप ही इम्प्रूवमेंट ले आएगी आपके अंदर, आपको पता भी नहीं लगेगा। बस देखो अगर आपकी हॉबी है तो तब भी आपको भाई लगेगा कि हाँ भाई प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका पैशन है, आपको आगे जाके इसमें फ्यूचर ढूंढना है, तो भी आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है, है ना। एक एक होता है ना, जैसे यार एक डांसर है, अब वो पांच बंदों के बीच में आके डांस कर देगा तो थोड़ा वो इंप्रेशन जमा लेगा अपना। वैसे ही एक आर्टिस्ट भी है, पांच बंदों के बीच में एक अच्छी सी स्केच बना देगा किसी का, तो भी इंप्रेस कर लेगा वो किसी को भी, अब चाहे वो लड़का हो या लड़की, है ना।
तो ऐसे ही है, आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट होता होना चाहिए कि भाई हाँ वो तो आप मतलब ना एक ग्रुप के अंदर आप अलग ही इंप्रेशन अपना जमा सको कि यार मुझे तो स्केच आता है, हॉबी के तौर में बोल रहा हूँ मैं। बाकी एक आर्टिस्ट तो यार अपना पूरा करियर ही उसमें दे देता है कि यार नहीं मैं कोई एक आर्टिस्ट ही बनना है, एक अच्छा आर्टिस्ट, सब मुझे जाने मेरे आर्ट के नाम पे। तो वही है, अब देखो मैंने इसके हैंड पे बना दिया है, मैं इसकी टेल्स जो है डार्क कर रहा हूँ। मतलब टेल डार्क करते करते यार थोड़ी सी ना वो हो जाता है कि यार नहीं एक्यूरेसी आनी चाहिए, लाइन इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो करो यार ड्राइंग करो, अपने आप ही हो जाएगा। अभी जैसे मेरे में हो रहा था तो मैंने जो है उसको कोशिश करा, मैंने जो कोशिश करा कि भाई हाँ ठीक कर दूंगा मैं उसको। अभी मैं ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने ही वाला है मेरा, है ना। अभी देखो मैंने पैर पे भी डार्क कर दिया, इस वाले पैर पे जहाँ बीच बीच में मेरे को कमी लगती है ना मैं वहाँ कमी पूरी कर देता हूँ उसको, देखे कि यार नहीं ये इसका थोड़ा सा सही होना चाहिए, थोड़ा सा नॉइस होगा उसके लिए, आई एम सो सॉरी। देखो अब क्या कर रहा हूँ मैं इसका ना शेडिंग के लिए थोड़ी हैचिंग कर दूंगा, सब्सक्राइब कर देना बोलना मत, है ना। तो अभी मैं इसके हैचिंग के लिए मैं इसमें लाइंस दे रहा हूँ कि भाई इतने टाइम तक मैं वो दूंगा, और जो शेडो पड़ रही है वो हमारे लेफ्ट साइड से पड़ रही है और उसके राइट साइड से, इस वजह से जो राइट साइड होगा उसका और लेफ्ट साइड होगा उसका उसमें डार्कनेस आएगी और इस साइड से थोड़ी वाइटनेस रहेगी। अब देखो मैंने ये ऑलमोस्ट कर दिया, अब मैं हैचिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे तो फिर मैंने हैचिंग नहीं करी, मैंने यहाँ पे सीधा डार्कनेस दे दी क्योंकि डार्कनेस ही यहाँ पे अच्छी लगेगी। और कभी भी ड्राइंग करो कोशिश करो कि अपना जो है ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो उसके अंदर। जब आप किसी का कोई मतलब ऐसा कि भाई मेरा पोर्ट्रेट बना दे टाइप का कहते तो फिर भाई एक्यूरेसी चाहिए होती है उसमें, बंदा उसमें ही वो करता है। मगर आपको एक अपना टेस्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनोवेशन करनी पड़ेगी। भाई इसके अंदर कुछ और एड ऑन कर दूँ, एक एक जो है ना कॉन्सेप्ट बना दूँ कि भाई ये इसलिए है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आप बिना कॉन्सेप्ट जो है टाइटल भी ना दे के आप डायरेक्ट उसको डिस्प्ले कर सकते हो कि भाई आप अपने हिसाब से लगाओ कि भाई ये मैंने क्या बनाया, तो वो टाइप भी होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे कर दिया हैचिंग कर दी, मैंने यहाँ पे मैंने क्रॉस स्टिचिंग नहीं करी, डायरेक्ट सीधा सीधे लाइन में मतलब हैचिंग मार दी है मैंने। कहीं कहीं पर मैं करूँगा क्रॉस स्टिचिंग जिससे कि उससे पता लग जाएगी हाँ भाई यहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस है, क्योंकि जब आप क्रॉस स्टिचिंग मार रहे हो तो ज़्यादा हैचिंग वहाँ पे लगती है जहाँ पे डार्कनेस होती है, बाकी तो स्पेस स्पेस छोड़ के हो जाता है। अभी देखते जाओ मैं अभी क्रॉस स्टिचिंग भी मारूंगा उसके अंदर। ये देखो मैं मारो ना क्योंकि वहाँ पे मेरे को थोड़ा डार्कनेस एरिया चाहिए।